सो हे गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। सो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लिटरली, क्योंकि आज सुबह उठते ही मुझे गुड न्यूज़ मिली है। मेरे अकाउंट से नोटिफिकेशन आया है एक कि मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है। सो आई रिसीव माई फर्स्ट पेमेंट, पैसा ही पैसा हो गया। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हैप्पीनेस का तो मेरे ठिकाना ही नहीं है। और सुबह सुबह मेरे माइंड में ये आया कि आज हनुमान जी का भी दिन है, बजरंग बली का डे है, तो प्रसाद चढ़ाना तो बनता है। और भी मुझे कुछ काम है तो वो काम भी करना है। मुझे फर्नीचर्स वगैरह भी देखने जाना है आज। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि कैसा पेमेंट है, कितना आया है। तो ये ट्विस्ट लोग वीडियो में बने रहूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कितना पेमेंट और आया। यस, जब मैं एटीएम से पेमेंट निकालूँगी उसका भी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑफकोर्स शेयर करना तो बनता है, बिकॉज आप लोग फैमिली जो हो। तो चलो फैमिली, वीडियो को एंजॉय करो और वीडियो को स्किप मत करना, कंटिन्यू देखो। आप लोग वीडियो में बने रहो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और प्लीज़ अपना प्यार दो, अपना प्यार बताओ, पर हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो फटाक से मंदिर निकलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बाय बाय प्लीज एटीएम जी, हर दूसरे दिन बुलाते रहो, टाटा। सो फाइनली गाइज, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियां पार्क है यहाँ पर। हाँ, इनके पास मिल जाएगा, यहाँ से लेते माला भी ले लो भैया। भैया फूल माला प्रसाद सब कुछ चाहिए। हाँ, लड्डू कर दो। कौन सा लड्डू? 101 का ले सकते और क्या? हाँ, 101 का कर दो। जय हनुमान जी। क्या फूल प्रसाद तो मैंने ले लिया। यहाँ पर हम फूल माला ले रहे हैं जो कि हनुमान जी को चढ़ाते हैं। सो फाइनली ये मेरा प्रसाद एंड फूल माला भी हो गया। अभी हम हनुमान जी को चढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं अपना शूज रख देती हूँ, सेफ रहेगा। एंड देन फिर हम यहाँ से निकलते हैं और ये दादा जी ने टोकन ले लिया, जय बजरंग बली। एंड फिर मैं ये स्टेयर से होते हुए जा रही हूँ और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे क्लियरली कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड थी, इतनी ज़्यादा जितने भी लोग थे वो सब लोग पूजा करने आए थे। एंड यहाँ पे कुछ संगीत प्रोग्राम टाइप का कुछ हो रहा है, सॉन्ग प्ले किया जा रहा है, वो सुन रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा क्राउड है। और इसकी भी एक मंदिर की भी एक टाइमिंग होती है तो सब लोग आते रहते हैं। और हम दोपहर के टाइम में आए हुए थे और बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बहुत ज़्यादा ही क्राउड थी। सो अभी फाइनली मैं एंटर कर रही हूँ और फिर यहाँ एंटर करने के बाद हनुमान जी को प्रसाद और माला चढ़ाएंगे एंड देन पूजा वगैरह अच्छे से करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ यहाँ पर और ये काफ़ी फेमस मंदिर है जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। और मेरा फूल प्रसाद चढ़ चुका है, जो भी लास्ट में हम उनको दान करते हैं पैसा वगैरह वो मैंने किया। और आप देख रहे होगे हनुमान जी की मूर्ति दिख रही है और ये सारे भगवान जी के फोटोज वगैरह लगे हैं यहाँ पे। हनुमान चालीसा जो बुक्स पढ़ते हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। बहुत दिनों बाद मैं मंदिर आई थी तो ऑब्वियसली बुक्स पढ़ना तो बनता था और यहाँ पे बुक्स मैंने लगा दिया। और यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो बहुत सारी भगवान जी की मूर्तिज़ वगैरह फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और मंदिर की एक टाइमिंग होती है, सो वो उस टाइम में क्लोज़ हो रहा था। अब मे भी क्या रीज़न था, आई डोंट नो, बट या हमारा पूजा वगैरह हो चुका है। सो फाइनली अब हम निकल रहे हैं और ये मैं मंदिर से बाहर आ चुकी हूँ और ये यहाँ पे खड़े थे डोर क्लोज़ करने के लिए। और बाहर भी अभी भी आप देख रहे हो कितने सारे लोग हैं, बहुत से लोग तो वापस चले गए। तो फाइनली गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं। क्यों ना निकलूँ भैया, किसने किया बेटा? नहीं है
निकल। तो फाइनली गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, है ना। और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ी मंदिर है। सो अभी तो सिर्फ हम जो मेन हनुमान जी का होता है वहीं पर मैंने दर्शन किया। सो अभी तो हम फर्नीचर वाले के यहाँ आ चुके हैं क्योंकि हमें कुछ फर्नीचर्स लेनी है, एंड देखते हैं क्या इनके पास, इनके हम जो गोदाम होता है, स्टोर होता है, वहाँ पर हम आए हुए हैं। इनके शॉप पे गए थे तो इन्होंने कहा चलो आप जो हमारा गोदाम है वहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, देख रहे हो, चेयर है, टेबल है, सोफ़ा है, बेड है, बहुत सारी। ब्लॉग के थ्रू इनका बिकेगा भी, लखनऊ के लोग देखेंगे तो आएंगे करेंगे। वही वाला टेबल चाहिए और वही वाला चेयर चाहिए, वही टेबल वही चेयर। कुछ सामान हमको दे दो। सोफा सेट क्या करेंगे, चेयर भी तो चाहिए होगा ना हमें। इन्होंने 40 का बिल दिया था, हमने किया था आपको, है ना। ये भगवान जी कितना झूठ बोल रहे हैं। 40 का दिया था आपने, दिया था ना मैंने, ठीक है। फोर्टी बोला था आपने, 40 फिक्स बोला, जो था तो आया था। तो ये बताइए इस बार तो हमें चाहिए होगा, मतलब चूहा, अरे कोपरे कितने बड़े चूहा, चूहे बोले ये था, चूहे होंगे ना यहाँ पे, चूहे होंगे ना, काटते भी होंगे भैया। सो गाइस ये हमारी गाड़ी खड़ी है, दिस वन। बाप रे कितनी गंदी हो गई है, मैं तो डर की। बनी नहीं अभी, नहीं बनी है या नहीं बनी है, बनी है। बन गई है ना, कितनी पुरानी हो गई है बताइए। सर्विस सेंटर पर है तो एटलीस्ट नई होनी चाहिए ना, ये तो नहीं होता है। तो वॉश कराएंगे ना अभी इसको, ये तो लगाया ही नहीं आपने, इसका यहाँ टूट गया है, खराब हो वाला दे रहे हैं ना। सुनाओ गाइस फाइनली सीक्रेट रिवील, ये जो प्रसाद है एंड दर्शन है, मेरे बिजनेस में काफ़ी बड़े अमाउंट का मुझे ऑर्डर मिला है। सो यस, कि मेरे बिजनेस का फर्स्ट ऑर्डर मुझे मिला है और आज हनुमान जी का भी दिन है। वो थैंक यू बजरंग बली कि आपने इतनी जल्दी मुझे ऑर्डर दिया और ये ऑर्डर भी काफ़ी बड़े अमाउंट का है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दो और वीडियो को शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने कलीग के साथ। और प्लीज़ 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 हमारा सपोर्ट करो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करो हमारा, क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है और आपके प्यार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारा टारगेट है कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, तो प्लीज़ सपोर्ट करो हमारे चैनल को मोनेटाइज होने में, आप लोगों से ही ये पॉसिबल है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो।